हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और वो है मखाने और खसखस की खीर, जो बहुत टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी। खसखस प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, अनिद्रा को दूर करता है और नींद लाने में हमें सहायता करती है। खसखस फाइबर से भरपूर है, जिसकी वजह से कब्ज से भी छुटकारा मिलता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं खसखस के। और चलिए मखाने के थोड़े से फायदे देख लेते हैं। तो मखाना जो है फाइबर से भरपूर है और इसमें बहुत ही कम कैलोरी होती है, किडनी और दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है मखाने में, इससे ये हड्डियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है और तुरंत एनर्जी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मखाने और खसखस की खीर की रेसिपी देखते हैं, और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ट्राई कीजिए इस खीर को, बहुत ही फायदेमंद खीर है ये। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं रेसिपी। जो न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक कप मखाने ले लिए हैं, ये देखिए मखाने आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 4 चम्मच खसखस ली हुई थी और 2 घंटे पहले भिगो के रखा है। 1/2 कप ली है चीनी और 700 ml जितना मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है। और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक हांडी ले ली है, आप पतीला या कढ़ाई भी ले सकते हैं। और 4 चम्मच देसी घी डाल दूंगी, छोटी चम्मच से डाला है। और इसमें हम मखाने डाल देंगे और मखानों को भून लेंगे, थोड़ा क्रंची कर लेंगे ताकि पीसने में अच्छे रहें और टेस्ट भी अच्छा आए। तो देखिए मखानों को मैं यहाँ पर भून लेती हूँ। 1-2 मिनट में ही हमारे मखाने भुन जाएंगे, ये देखिए भुन गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और फिर इनको दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सर जार में। अब ये मिक्सर जार लिया है मैंने और भीगी हुई खसखस है, इस खसखस का हम पेस्ट बना लेंगे। तो पानी के साथ ही हमें खसखस डालनी है। और 5 मैंने इसमें बादाम डाल दी है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं चाहें तो। ये देखिए पीस कर इस तरह का पेस्ट बनाया है, तो एकदम स्मूथ पेस्ट तो नहीं बनता है, हल्का सा दरदरा है तो चलेगा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब फिर से उसी हांडी में मैंने 2 चम्मच घी डाला है, 2 छोटी चम्मच, और इसमें हम अब खसखस के और बादाम के पेस्ट को भून लेंगे। तो जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है इसमें, सारा डाल देंगे अच्छे से। अब इसे अच्छे से भून लेंगे इस घी में। मिक्सर जार को भी धोकर पानी इसी में डाल देंगे, खसखस हमें वेस्ट नहीं करनी है। तो मिक्सर जार को धोकर भी मैं पानी डाल देती हूँ इसमें। 2 मिनट लगेंगे खसखस के पेस्ट को भूनने में। तो देखिए खसखस का पेस्ट भून गया है, 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब हमने जो दूध लिया हुआ है वो डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। तो अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए खसखस को और दूध को। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी डाल दी है, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 ही चम्मच लिया है सोल्ट का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और मिक्स कर देंगे फिर इनको भी। और मखाने का जो दरदरा सा हमने बना के रखा है पाउडर, वो हम लास्ट में डालेंगे। अब देखिए इसे अच्छे से पका लिया है 5-10 मिनट, और जो मखाने ग्राइंड करके रखे हुए थे दरदरे से, दरदरे ग्राइंड करना है वो इसमें ऐड कर देंगे। मखानों को पकने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस जल्दी से पक जाते हैं। तो 1 उबाल देना है और बस गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है। तो गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद और हमारी मखाने की खीर एकदम रेडी है। और आप इसे अगर रात के टाइम लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो देखिए अब निकाल लेते हैं मखाने की खीर एक बाउल में। और आपको खीर देखने में पतली लग रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गाढ़ी आ जाएगी। और आपको और अच्छी गाढ़ी चाहिए तो आप मखाने थोड़े ज़्यादा डाल के बनाइए।
तो हम लोगों को तो ऐसी पतली ही अच्छी लगती है ये वाली खीर, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो अब गार्निशिंग कर देते हैं इस खीर की। आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी बादाम की कतरन डाली है, थोड़ी पिस्ता की कतरन डाली है। तो लीजिए, अब हमारी खसखस और मखाने की खीर एकदम रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अब नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।